वैसे जलील साहब, क्या आप भी ये तमाशा देख के इतने ही हैरान और परेशान हैं जितने कि हम? मुलाहिजा फरमाया आपने तमाशा। मौसूफ की बहू बेगम जो हैं वो घर से भाग उठी हैं, लेकिन उन्हें जर्रा बराबर फिक्र नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था साहब, जिसके साथ भागी है तुम्हारी बीवी ने उसे बेटा बनाकर घर में बुलाया था, तो बस अब समझ लिया उसने सास का बेटा। अरे जलील साहब, जमाना जो है वो खराब हो चुका है। हम तो ये जो वो क्या कहते हैं उसे, मुंह बोले रिश्ते हैं ना, जिन्हें बनाकर हम गैर मर्दों को अपने घरों में घुसाते हैं, हम तो इसके सिरे से ही खिलाफ हैं। बिल्कुल सही। अब आप मेरा घर देख लीजिए, चार चार औरतें, लेकिन मजाल है आवाज आ जाए, ऐसा कंट्रोल है। सुभान अल्लाह जलील साहब, चार चार खवातीन और इतना कंट्रोल, घर में चार चार खवातीन के होते हुए इतना सन्नाटा। एक आपका घराना है, चार चार खवातीन, और एक हमारा घर है, एक भी नहीं वीराना। जलील साहब, वो अब घर की बात हुई है तो हम हिम्मत करके आज आपसे एक दिल की बात कर लें। जी जी कहिए। बस आपने हमारा एक पैगाम जो है हमारी भाभी साहिबा तक पहुंचाना है, बस एक पैगाम। उनसे कहिएगा कि हमारे लिए कोई अपने खानदान में लड़की तलाश करें। अब देखे ना, कब तक हम यूं ही अकेले घूमते फिरते रहेंगे? अब सब कुछ तो है हमारे पास, घर है, नौकर है, कारोबार है, कार है, बल्कि अब तो हमने एक और कार ले ली है। बस चाहते हैं कि उसे कोई चलाने वाला मिल जाए। शिरोही साहब, आपको कैसी लड़की चाहिए? चले साहब, बस यू समझिए भाभी जैसे, एकदम भाभी जैसे, वैसे ही पाकिदार, सलीकेमंद, घर को संभालने वाले। ऐसी लड़कियां आप कहाँ मिलती हैं शेरवानी साहब? आजकल की लड़कियां तो उछाल छक्का होती हैं, लेकिन आपकी बात मैं पहुंचा दूंगा अपने घर। बस 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 बस, आप हमारा पैगाम भाभी तक पहुंचा दीजिएगा। हमें पूरा यकीन है कि वो एक अकलमंद खातून है, हमारी बात को समझ जाएंगी। शेरवानी साहब, एक बात आप भी जहन में रखिएगा, माशाल्लाह से नसीम जहरा ने प्राइवेट मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। दस्तकारी और घरदारी में माँ की तरह ताक है। बस मैं चाहता हूँ कि जाए तो किसी खुशहाल घराने में जाए, तंगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ गया। जहन में क्या रखेंगे जलील साहब, हम तो ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लेंगे। आप जहन में रखिए। हाँ, बेफिक्र हो जाइए आप। चाय के लिए देखता हूँ। हाँ, आज तो दिल की बात कह दी, दिल हल्का हो गया हमारा था।